कांग्रेस ने कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया। केवल एक खानदान, केवल एक परिवार, उसी की जय जय होती रही, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को एक करने वाले थे, 500 देशी रियासतों को मिला के उन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने ही बुला दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण सरदार सरोवर बांध के बीच नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। वो ना होते तो भारत एक भी नहीं हो सकता था, टुकड़े टुकड़े में बटा होता। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें सभी देशी रियासतों का विलय करके भारत का यह स्वरूप बना दिया। अरे अगर कश्मीर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाले होती तो एक तिहाई हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में नहीं होता। सरदार पटेल तभी खेल खत्म कर देते और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता। लेकिन दुर्भाग्य था देश का, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, और जो हालत उनकी कांग्रेस ने उस समय की है आज कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो उनको प्रणाम करता हूं।